मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी है और राजधानी भोपाल में पुलिस ने ई सिगरेट सहित नशे के प्रोडक्ट्स बेचने पर एक्शन लिया। धारा 144 के तहत कलेक्टर ने कार्रवाई की है और फ्लेवर्ड हुक्का और निकोटीन प्रोडक्ट पर कार्रवाई हुई। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के निर्माण और प्रचार पर बैन है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। बावजूद नशेड़ी बाज नहीं आ रहे और ऐसे उत्पाद बेचने वालों को भी क्या कानून का खौफ नहीं? शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी जानकारी दे। भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने धारा 144 के आदेश करते हुए यह साफ किया है कि राजधानी भोपाल में अब इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट या निकोटिन की जो भी सामग्री है इलेक्ट्रॉनिक वो अब नहीं बेची जा सकेगी। यदि कोई इसको बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। न केवल बेचने पर कार्रवाई होगी बल्कि अगर कोई इस तरह के उत्पाद का विज्ञापन करता है या किसी हिस्से को अलग करके बेचता है उस पर भी कार्रवाई होगी। और जिस तरीके से हाल ही में देखने में आया कि युवाओं में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और निकोटिन जैसी जो आदतें पड़ती जा रही हैं, जो बुरी लतें पड़ती जा रही हैं, उसको कम करने के लिए कलेक्टर का एक बड़ी आदेश जो है इस आदेश को देखा जा रहा है। देखना होगा कि उनके इस आदेश का कितना असर युवाओं पर या जो विक्रेता हैं उन पर पड़ता है।